आप सबको प्रणाम करता हूँ। सरहदी साहब की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। मदान परिवार ने जो महफिल सजाई है इसे प्रणाम करता हूँ। सरस्वती वंदना बहुत अच्छी सर्वेश भाई ने कर दी है। मेरे खड़े होते ही आप ऐसे चुप हो गए जैसे कि मेरी श्रद्धांजलि में बैठे हुए हैं। आपके चेहरे पे दरअसल क्या, अगर मुझे सरस्वती वंदना करने के लिए कहे तो मैं दो पंक्तियों में काम निपटा दूंगा। मैं कहूंगा शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ। अच्छा वाह, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ, भ्रष्ट सारे नेताओं को खाजा शेरा। लंबी थोड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, बात ऐसे भी की जा सकती है। हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। बिड़ला ऑडिटोरियम में मदान परिवार ने, महिमा फाउंडेशन ने जिन अतिथियों को बुलाया है, मेहमानों को बुलाया है, इन सबको लार दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में गाड़। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सरेश भाई कर रहे थे, कई सारे जिक्र भी उन्हीं। मैं पहला कवि हूँ। पहला कवि क्या होता है कि एक कवि सम्मेलन के मुशायरे की नींव की तरह होता है। थोड़ी बातचीत करता चलूंगा आपसे और आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक उससे पहले मैं अपनी आराधना की चार पंक्तियां आप तक। स्वागत है अजात। वाह, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी है। पंक्ति का जो आखिरी शब्द है, नई पंक्ति वहीं से शुरू होगी। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। अपना जरा मन दीजिएगा, फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। आज तो हमारे बीच में सरदार जी भी बैठे हुए हैं। अब जहां सरदार जी होते हैं वहां कार्यक्रम अपने आप में असरदार हो जाता है। वाह, उनको भी जुड़वा पर जोड़े से बैठे हैं दोनों। भाई लाख लोग हैं। कई सारे देखिए, मैं आपको यकीन मानिए बड़े लोग हैं, मैं तो भूमिका में हूँ यहाँ पे। बड़े शायर हैं, अरुण जैमिनी जैसे बड़े हस्ताक्षर हंसाने वाले, मैं भूमिका में हूँ। थोड़ी देर अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ। सही कि मैं आपको हंसाने आया हूँ क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी है। और यकीन मानिए हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। मैंने कहता ओशो के हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। क्या कह रहे हैं? इसलिए अपने अपने जीवन में अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ाते रहिए। यकीन मानिए अगर आपने अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ा लिया तो आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बड़े हास्य के कवि हैं सर्वेश भाई। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजकों ने ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हूं। ये भी झूठ, अपने को आती नहीं। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा। अच्छा, कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गए। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता हो। अपनी बात। अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा मां, मैं ज्योति के पास। कई सारी चीजें, ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई, ज्ञान की हालत इतनी खराब हो गई। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काटा। फिर मैं सामा यही कुत्ता कुत्ते को काटता है।
तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम। अरे एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के, बाबा को कृपा, हाँ समोसा खाया, चटनी का रंग कौन सा। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी, बोले तुम्हारी शादी हो गई, बोले हो गई, बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है, बोले नहीं, बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वही अटकी हुई। जैसे ही घर पहुंचा पत्नी ने दो पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम। पत्नी ने खींच के दो चाटे, बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूँ, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दो पराठे भगवानी में खड़ा हूँ मुझको खोटा बना दो, एक बार जरा ताली बजा दो। भगवानी में अभी भी शुरू हो रहा है, भगवान में खड़ा हूँ मुझको खोटा बना दो, गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। अब जरा पूरा सदन मन दे रहे, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, कुछ देर के लिए अनुप जलोटा बना दो। हारमोनियम बजाया, कोई कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कई कई एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो, बोले सबसे बड़ी टेंशन है स्कूल था इसी का राम नाम सत्य। एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है, बोले आग स्कूल में लगी है, वो मास्टर जी तो मार ये उसी स्कूल की बात के नीचे बिठा के पढ़ा। अगर मैं सच बताऊ मदान साहब, मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाता था हमको पढ़ाने के लिए मास्टर जी आते थे राजेंद्र पंडित, वो बड़े ठोकू किस्म के, ठोकू में समझते हैं, पीटने, वो इतने ठोकू थे कि घर से सोच के आते आज किसको पीटना, और जिसको पीटना होता उसकी तरफ देख के मुस्कुराते, जैसे मैं दोनों अतिथियों की तरफ देख के मुस्कुरा रहा। अच्छा, वो दोनों तुम्हें पीट रहे हैं। अच्छा, हमारे स्कूल में क्या था, एक नीम का पेड़ था, वो नीम का पेड़ का वर्कशॉप था, उसी के नीचे बच्चों की डेंटिंग पेंटिंग होती थी, और मास्टर जी का एक ही ब्रह्म वाक्य, चलो नीम के नीचे। अच्छा, पुराने टीचर थे वो पहाड़े पूछ, 10 का पहाड़ा 15 का पहाड़ा पहाड़े पूछ। एक दिन मास्टर जी आए, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हुआ, बोले सुनाओ 15 का पहाड़ा, मैंने कहा नहीं आता, बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर मेरे साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, अच्छा मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया तो 15 तो क्या 25 तक के पहाड़े आ गए। मास्टर जी आए, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, इस बार मैं भी मुस्कुराया। अरे मैं मुस्कुराया और मेरे कॉन्फिडेंस को ताड़ गए, बोले सुनाओ 27 का पहाड़। फिर उन्होंने नीम के पेड़ के मेरे साथ वही 20-20, मैं फिर 10 दिन तक स्कूल नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं बचपन से कितना समझदार, मैं फिर 10 दिन तक स्कूल नहीं गया। 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया, मास्टर जी आए, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, मैं चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे। तब से राम अजात शत्रु नीम के नीचे ही बैठे। आइए, केदरी जी धरने से उठकर बोले धरना दे दूंगा, जहां से हमारे अरुण जेमिनी जी आए उनके शहर में एक बड़े महापुरुष रहते हैं, महापुरुष केदरी जी। एक एक पंक्ति में एक एक नेता की खूबियां सुनाता चलूंगा, आपको जहां मन लगे आप अपना प्यार दीजिएगा। केजरी जी धरने से उठकर बोले धरना दे दूंगा, मोदी जी हंस करके बोले ऊंची ऊंची फेंकूंगा। मोदी जी हंस करके बोले ऊंची ऊंची फेंकूंगा, ममता जी चिल्ला कर बोली खाक खड़ी में कर दूंगी। और अब आपकी बजने
बजने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे क्या पढ़ना है। ममता जी चिल्ला कर बोली खाखड़ी में कर दूंगी, राहुल जी मम्मी से बोले मम्मी पोगो देख। आपकी आपकी तालियां हम कवियों के लिए वही काम करती है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमित शाह करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपकी तालियों का घनत्व मिलता है। अभी इतनी भारी जीत हुई है मोदी जी की, तो उन्होंने कुछ शपथ ली, कुछ कस्में खाई, वो कस्में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वागत। आप समय से आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में वही लोग मरे थे जो टाइम से गए। लेट जाने वाला एक भी नहीं निपटा, उसमें सर्वाधिक भारतीय थे, एक अपना परंपरा है और जाते ही लेट जाते। हाँ, एक बार मैं चाहूंगा अपने अतिथियों के लिए जो हमारे बीच में, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो उन्होंने क्या कसमें खाई वो बता रहा हूं। आएगी फिर से लौट कर जवानी की कसम, गंगा किनारे वाले शुद्ध पानी की कसम, ना खाऊंगा न खाने दूंगा अब भी किसी को, जो झूठ बोल जाऊं आड़ वाली की कसम, जो झूठ बोल। हाँ नोटबंदी में हुआ तबाह की कसम, दे दूंगा 15 लाख उस गुनाह की कसम, वादा है मेरा अब के काला धन भी लाऊंगा, अब जो कहा करूंगा अमित शाह की कसम। बहुत अच्छा। एक और सुनिया, माँ भारती की ओर सत्यमेव की कसम। देखिए पहला कवि थोड़ी सी ऊर्जा मांग रहा हूं आपसे। माँ भारती की ओर सत्यमेव की कसम, नींदे उड़ा दी पंजे ने, तीन राज्यों में जब सरकार गई थी, नींदे उड़ा दी पंजे ने सदैव की कसम, दिन रात अब कपाल भाती करने लगा हूं, पतंजलि के संग रामदेव की कसम। आइए इस माहौल में, मैं जब यूथ में युवाओं में जाता हूं तो वहां मैं देखता हूं कि उनकी भाषा बदल गई है। आप बहुत बड़ा परंपरा का काम कर रहे हैं कि डीआर मदान साहब, एक बड़े शायर होश सरहदी हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे दादाजी जो भाषा बोलते थे वो हमारे पिताजी नहीं बोलते, हमारे पिताजी जो भाषा बोलते थे वो हम नहीं बोलते, और हम जो भाषा बोलते हैं वो आजकल के बच्चे नहीं बोलते। आपने विरासत को संभाल रखा है, इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को नहीं बचा सकते लेकिन इन बीजों को बचा सकते हैं जिनसे नए उद्यान लगाए। नई न्यू जनरेशन का कोई लड़का अगर मोबाइल की भाषा में किसी को प्रपोज करेगा तो उसकी भाषा क्या वो कहेगा? फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी जमाने से डाका डाल गई। क्या कहता है, व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। मुझे अभी सर्वेश भाई कह रहे थे व्हाट्सएप में और छोटे बच्चे की चड्डी में एक समानता है, मैंने कहा क्या समानता है, बोले दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है कुछ आया तो। व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा, रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी, दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, एक प्रस्ताव लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम, हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे
खाली रोक सको तो रोक लेना। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं, सुंदर से तो प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा, www.shadi.com प्यारा, इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। मैं दो मिनट की एक कविता पढ़ती अपनी माँ जरूरी, माँ जरूरी, माँ जरूरी। मेरे बहुत प्यारे भाई विशाल गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिव है रोटरी में आपके यहाँ पे, आप सब लोग बहनी है, सबको प्रणाम करता हूँ। सुनिए, मैंने इस देश की सरहदों पे कविता पढ़ी, कारगिल के मैदान में उन जवानों के सामने मेरा सौभाग्य मैंने कविता पढ़ी। मैंने वहां पे देखा इस देश के सैनिकों ने अपने दुश्मन देश के सैनिकों के स्वागत में कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं, और एक बोर्ड मैंने, मैं बोर्ड पढ़ रहा हूं कविता नहीं पढ़ रहा, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, जवानों ने लिखा हुआ था ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे क्योंकि हम तो करेंगे। दूसरा बोर्ड मैंने पढ़ा, वो शायद आपकी कमजोर तालियां थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए, मेरी आंखें नम हो गई, तीसरे बोर्ड पे लिख रखा था हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक ही खतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। क्या कहते हैं, बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं। बहुत अच्छी कविता है। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं, खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं, सो जाते हैं सरहद पे जवान सिपाही शेर, अगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, शौनित से भी की वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं, तो धरती के लाल गगन के ध्रुव तारे हो जाते चूड़ी चिड़िया बाकी कंगन माँ की लोरी याद, मगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते। एक तर्क दिया जाता है आतंकवाद की तरफ से, मुझे बड़ा अजीब लगता है, आप तक पहुंचा तो तर्क दिया, स्वागत है जय। जन्नत में पूरे मिलती है जेहादी बतलाते हैं, बतलाते हैं इसी वजह वो जेहादी बन जाते हैं, बन जाते हैं नामदार नापाक दरिंदे होते जो। और आपकी तरफ से मैंने एक जवाब दे दिया, अगर आपको लग जाए कि मेरा जवाब ठीक था तो मुझे बता दीजिएगा। बन जाते हैं नामदार नापाक दरिंदे होते जो, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाए। आप याद कीजिए इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दम दमे में दम नहीं है खेर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। ये बच्चन की मधुशाला है टीकर का विश्वीरथ है। कृपया हमारे नवाज साहब बैठे हुए, नवाज जयबंदी जी, कुछ लोग कहते हैं इस देश में असहिष्णुता है,
जब तक नवाज देवबंदी जैसे शायर इस देश में मौजूद है असहिष्णुता कभी नहीं आ सकती। हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका राधा बन गई। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मीरत है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कहीं मुनव्वर राणा साहब कहते हैं, इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता का ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता। और कविता की इन आखिरी पंक्तियों के साथ में मैं अपना स्थान लेता हूं। मैंने जब कविता लिखनी शुरू की, माँ शारदे के सामने कसम खाई, माँ मुझे इतनी ताकत देना, हिम्मत देना, शक्ति देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं, नहीं हिम्मत देना। बात अच्छा। कविता जिंदाबाद, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती। मेरी तरफ क्यों इशारा? मेरी तरफ आप तो अच्छा। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तर जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आपने देखा कि अजात शत्रु ने शुरू में चुटकियां ली, चुटीली बातें की, मुस्कुराहट दी, और अपने कार्यपाठ के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते वो कविता के प्रति समर्पित हुए। यही एक विलक्षण कवि की प्रतिभा होती है कि वो माहौल को किस ढंग से, किस तरफ से मोड़ करके, कहां पर से ला करके वापस कविता और शायरी और देश के नाम कर दे, ये कवि की सफलता होती है। एक बार अजात शत्रु के लिए अच्छी सी तालियां।